आज बहुत देर तक पढ़ते रह गए रात को। चलो जाओ राउंड जाओ। सुनो चाय लाना। जी देखा क्या तमीज है इसके। समझाओ इसको एग्जाम नजदीक है। जी कुणाल जल्दी कर यार, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ आया। अरे कुणाल कुणाल दूध तो पी के जा। माँ मैं लेट हो रहा हूँ। कुणाल जल्दी कर यार, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। होमवर्क करा दूँ मैं इसका। हाँ भाई यार मैं बोल रहा हूँ दो दिन बाद एग्जाम है, पढ़ ले यार। तुझे बता मेरा तो पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। क्या करूँ यार कुछ याद ही नहीं होता, ग्राउंड के अलावा कुछ दिखता ही नहीं मुझे। भाई मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है। बस यार ओलंपिक में जाऊँ बस। भाई तू तो स्पोर्ट्स में जा, कोई नहीं रोक रहा तुझे। बट यार पढ़ाई भी तो कर, पढ़ाई भी तो उतनी इम्पोर्टेंट है। भाई देख जो मैंने बोला ना उसके बारे में सोचना, पढ़ ले अभी भी टाइम है, चल घर से। गांव जा रहे होंगे नवाब साहब, है ना? दो दिन बाद एग्जाम है, समझाओ इसे। अरे पढ़ लिख जाएगा तो एजेंसी संभाल लेगा। पढ़ रहा है, क्यों फिक्र कर रहे हैं? पढ़ता भी है। बहुत पढ़ रहा है। मत सर पे चढ़ाओ इतना इसको। सर पे नहीं चढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। पढ़ता है, सिंसियर है। पूरे समय उसके लिए पीछे ही पड़े रहते हैं। तुम्हें बुरा तो बहुत लगता होगा, पापा हमेशा टोकते हैं, पर मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। ये मेडल और सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, इससे जीवन नहीं चलता है बेटा। जीवन चलाने के लिए अच्छे नंबरों से पास होना बहुत जरूरी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं ठीक कह रहा है बेटा कुणाल, हर चीज में बुरा मत माना करो। पापा गलत थोड़ी कहते हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ बेटा, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, अभी एग्जाम का टाइम है, अभी तो कम से कम आप थोड़ा सा सुन ले। क्यों इतना गुस्सा होता रहता? पापा की हर बात गलत नहीं होती। चलो चलो खाओ खाना खाओ।
मैंने तुमसे कुछ कहा है? सुन रहे हो ना तुम? कल से ग्राउंड पे जाना बिल्कुल बंद। बहुत हो गया तुम्हारे लिए। कुनाल, खाना खाओ। कुनाल, क्या गलत कहा मैंने उसको? तो खाना छोड़ चला गया। ओहो, खाना तो खाने देते हो उसको। खाते समय कभी भी आप बिल्कुल चालू हो जाते हो। तो मैंने क्या गलत कहा बोलो? गलत नहीं कहा, पर खाना तो खा लेना बिल्कुल। उसके भले के लिए कह रहा हूँ ना मैं। बिल्कुल ठीक, आप सही हैं अपनी जगह। पर खाना खा रहा था, थोड़ा तो कंट्रोल किया करिए। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? इसी मेहनत से क्या होगा? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। अरे ब्रॉन्ज में इतनी संतुष्टि हो जाएगी या सिल्वर में कि गोल्ड लाना है? गोल्ड लाना है ना, तो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, तुम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ करना है स्पोर्ट्स में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और करो, चिंता मत करो। पापा से मैं बात करूँगा ना, मना लेंगे उन्हें। हमें पसंद नहीं है स्पोर्ट्स, हम मना लेंगे, हो जाएगा। निराश होने से कुछ नहीं होता, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत रखो और देखो इन बच्चों को, उनसे कैसे हो, कैसे रनिंग कर रहे हैं देख रहे हैं। इनसे आगे निकलना है, ठीक है ना? फिर कल से प्रैक्टिस जबल। जी सर। कॉन्फिडेंस के साथ में। जी सर। हाँ, और किसी से नहीं डरना, हम है ना साथ में। चेहरे पे स्माइल चाहिए जरा, कॉन्फिडेंस के साथ में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये कहता है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, गुड। सुमित्रा, ये दरवाजे तीनों से किसने बंद किया? कुणाल आया था अभी। कुणाल? शायद उसी ने बंद किया होगा। देखो, बुलाओ उसे, उसके पास। कुणाल, कुणाल, बेटा कुणाल, ये दरवाजे क्यों बंद किए इसने? कुणाल, ए बेटा कुणाल, देखो बेटा दरवाजा खोल। कुणाल, कुणाल, ये क्या कर रहा है तू बेटे? क्या कर रहा है तू? है क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? है बेटा, फेंको इसको, फेंको। क्या है? अरे रिजल्ट लेके आया, देखो पास हो गया है ये। पिताजी। हाँ बेटे। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। पर कुणाल, तू पास तो हो गया ना बेटे? और वैसे तेरे दोस्त के पापा मिले थे, वो बता रहे कि तू
स्टेट में फर्स्ट आया है। पर बेटा तुमने उसमें भी तो पापा का नाम रोशन किया है। क्या करवाता है, ऐसा क्या कर रहा है बेटा? देखो मेरी उम्मीद से ज्यादा मार्क लाया है ये कुमार। फिर क्यों कर रहा है ऐसा? ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं। हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।